अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब बिलासपुर में लगातार चाकूबाजी की वारदात जो है वो बढ़ती ही जा रही है। ट्रक चालक ने हेल्पर पर चाकू से हमला किया है, गंभीर हालत में रायपुर में इसे भर्ती कराया गया। पुलिस ने चार लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम कौड़िया का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिलासपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां लगातार बिलासपुर में चाकूबाजी की वारदात जो है वो बढ़ती ही जा रही है। जहां ट्रक चालक ने हेल्पर पर चाकू से हमला किया है, गंभीर हालत में रायपुर उसे रेफर किया गया है, उसे भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में चार लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। बता दें, सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम कौड़िया का पूरा मामला बताया जा रहा है और तस्वीरें भी एक तरफ आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो बिलासपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां बता दें कि लगातार बिलासपुर में चाकूबाजी की घटनाएं जो हैं वो प्रतिदिन सामने निकल कर आ रही हैं। लगातार ऐसी घटनाएं जो हैं बढ़ती ही जा रही हैं। ट्रक चालक ने हेल्पर पर चाकू से हमला किया है और हेल्पर अभी फिलहाल गंभीर हालत में है, उसे रायपुर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हालांकि चारों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है।